शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये रिश्वत है क्योंकि इसे टेबल के नीचे से दिया गया है करिश्मा मैडम के अकॉर्डिंग। भाई मैया की सासू मैया, क्या चूरन का डब्बा है ये? तो ये चक्कर चल रहा है यहाँ पर, अपने जूनियर्स के हाथों आप रिश्वत लेते हैं यहाँ, और वो भी इस तरीके से। मिस हसीना, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज निकली। अभी थोड़ी देर पहले आप हमें ईमानदारी और सच्चाई की इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रही थी, तो ये क्या है? एक मिनट, आप थोड़ा आराम से बात कीजिए। वो SHO है यहाँ, आप समझे, और अब तक साबित नहीं हुआ है कि ये गलती जो है ये मैडम सर का है। इल्जाम नहीं लगा अभी तक, तो थोड़ा आराम से। सर देखिए, आप खुद ही सोचिए लॉजिकली ये कैसे हो सकता है कि कल रात को ही कोई आदमी आया, हमें ये सब देकर गया और तुरंत आपको टिप मिल गई कि हमने घूस खाई। और अगर हमने घूस खाई ही होती तो हम इस तरह से उसकी खुलेआम नुमाइश क्यों करते? सर ये सोची समझी चाल है, हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। देखिए मिस हसीना मलिक, आपकी अपनी ऑफिसर ने कबूल किया है कि उसने आपके ही ऑर्डर्स पर ये सारी रिश्वत ली है, इसलिए हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब आपको जो भी कहना है वो आप विभागीय कार्यवाही के दौरान कहिएगा, फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। एक मिनट सर, हमें कुछ बात करना है। बात कर ले मैडम सर। मैडम सर ये क्या कर रही हैं आप? मैडम सर आप बता क्यों नहीं देती हैं कि ये टीम का डब्बा मशीन है और आपका कोई गलती नहीं, ये सारा गलती इसका है। आप पूरा टंटा खत्म कीजिए मैडम सर, ये आप निर्दोष हैं, इसने किया ये सब। मैडम सर करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप DSP सर को फोन करके बोल दीजिए ना, वो बता देंगे इन्हें सब कुछ सच सच। बता दीजिए मैडम सर। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम नहीं बता सकते कि ये एक इंसान नहीं है, ये एक मशीन है। और वैसे भी ये सब चीज जितने पैसे मिले हैं उसके सामने हमारे कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ऊपर से ये डिपार्टमेंट का इतना सीक्रेटिव प्रोजेक्ट जो है उसका भांडा फूट जाएगा, वो अलग। मैडम अगर आपका हो गया है तो चलें। आप हमें बस इतना बता दीजिए कि ये टिप आपको किसने दिया है? आपको हमने कहा ना कि ये चाल है, आप बस नाम दीजिए और हम पे विश्वास रखिए, हम सच आपके सामने लाके देंगे। देखिए करिश्मा सिंह, आप बखूबी जानती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है और हम इस तरीके से अपने डिपार्टमेंट के किसी भी सोर्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ तो ठीक है, हम भी ये इल्जाम कबूल नहीं करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप कार्रवाई बिठाइए, सच का पता लगाइए, क्योंकि क्या है कि जब तक सच पता नहीं चलेगा ना तब तक मैडम सर को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मैडम सर यहाँ से नहीं जाएंगी। तो ठीक है, फिर हम आपकी ASI मीरा को लेके जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही कबूल किया है ना। अब जो भी कार्यवाही होगी वो हम इन्हीं से शुरू करेंगे। चलिए मीरा जी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, लीगल प्रोसेस, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, इसमें ASI मीरा की कोई गलती नहीं है। इस थाने के SHO हम हैं, इसलिए जो कुछ भी हो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। नहीं मैडम सर, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, नहीं हो सकता है, ये गलत है। हाँ मैडम सर, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। मत जाइए मैडम, कहीं मत जाइए। आप एक मिनट, आप सब प्लीज शांत रहेंगे। देखिए करिश्मा सिंह, ये बात तो तय है कि किसी ने हमको फंसाने की कोशिश की है, लेकिन हम इस सिचुएशन से तब तक नहीं निकल सकते जब तक हम उस आदमी को एक्सपोज नहीं करते जिसने ये सब किया है। और ये काम अब आप करेंगे। जमीन आसमान एक कर देंगे, खोज के निकालेंगे उस टोपा इंसान को जिसने हमारे थाने के साथ इतना घटिया हरकत किया है। हम सब मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे मैडम सर, आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मैडम सर। जी मैडम सर। बहुत बड़ा गलती किया है तुमने, हम तुमको बता रहे हैं। सोचा था 87 दिन बचे कैसी भी करके निकाल लेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन अब नहीं। इस चैप्टर के साथ तुम्हारा अध्याय भी खत्म होगा और 48 घंटों के अंदर अंदर ना तुम थाने के बाहर होगी। और ये करिश्मा सिंह का वादा है और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। सारा गुड़ गोबर कर दिया।
ये सब इस टीम के डब्बे की वजह से हुआ है। रॉन्ग एलिगेशन, मेरी वजह से नहीं, हसीना मैडम की वजह से। मैंने सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए, तो उस हिसाब से रिश्वत मैंने नहीं, हसीना मैडम ने ली है। मैया की सास, मैडम मुझे लगता है शायद हमें वो मिठाई का डब्बा चेक करना चाहिए, हो सकता है उस पे देने वाले के फिंगरप्रिंट्स। नहीं है, मैंने चेक किया है, बॉक्स पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। आमतौर पर क्रिमिनल्स अपने हाथ पर किसी प्रकार का सोल्यूशन लगाते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स ना मिले। इसकी वजह से लगा है मैडम सर पे रिश्वत लेने का इल्जाम। पैसा इसने लिया, इंक्वायरी मैडम सर पे बैठ रही है इसके स्क्रीन के डब्बे का राज रखने के लिए, जिसके अंदर ना दिल है ना भावनाएं हैं, और इसको तो आभास भी नहीं है उनके उनके इस एहसान का। जिसने भी ये हरकत किया है ना, जिसने भी मैडम सर को फंसाया है, हम उसकी कुंडली में वो भगदड़ मचाएंगे ना पुष्पा जी, कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। अब सुनो तुम हमारा बात, मैडम सर को तो हम कैसे भी निर्दोष साबित कर देंगे, उसके लिए हमें जमीन फाड़ना पड़े या आसमान फाड़ना पड़े हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमको हम यहाँ नहीं रहने देंगे। बिल्ले तुम निकल यहाँ से, निकल, तुम्हारा ना बहुत चूरनगिरी हो गया है, अब समझो हमारी बात को। हम बनाएंगे तुम्हारा पर्सनल रिपोर्ट और भेजेंगे हेडक्वार्टर्स में। संतु तुम हेडक्वार्टर जा रही हो ना उनके किसी स्पेशल साइबर केस में उनका हेल्प करने के लिए? जी मैम। तो तुम ये रिपोर्ट हमसे लेकर जाओगी, उनको दोगी, ठीक है, और हमारे साथ टच में रहोगी इस टीम के डब्बे के मामले के लिए। जी मैम। उनको बताएंगे ये जो टीम का डब्बा यहाँ भेज दिया ना, ये कितना खतरनाक है भविष्य के लिए। विकास नहीं हो तुम विनाश हो, और तुम्हारी प्रजाति को हम आगे पनपने नहीं देंगे। सुन लो हमारी बात को, जब तक तुम्हें खत्म नहीं करेंगे ना, हम चैन का सांस नहीं लेंगे। अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए होते ना, तो आज मैडम सर को ये दिन ना देखना पड़ता। काश तुम्हें पता होता कि तुमने मैडम सर से क्या छीना है। तुमने उनसे उनका स्वाभिमान छीना है, और उसके लिए हम तो क्या, थाने का कोई भी सदस्य तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अगर मैंने वो पैसे नहीं लिए होते तो मैडम सर पर ये इल्जाम नहीं लगता। इल्जाम वापस, स्वाभिमान वापस। स्वाभिमान? देखिए, हम आप लोगों से पहले भी कह चुके हैं कि हम हसीना मलिक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सारा शहर इनका बहुत सम्मान करता है सर, जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी भी किसी का भी इन्होंने दिल नहीं दुखाया। महिला थाने पे जो भी आया ना, सबकी मदद की है इन्होंने। रिश्वत लेने जैसी ये निम्न स्तरीय और घृणित कार्य कर ही नहीं सकती। देखिए डीएसपी साहब, मैंने अपनी डिपार्टमेंटल सर्विस के दौरान बड़े बड़े ईमानदार अफसरों का ईमान डोलते हुए देखा है। आप इंक्वायरी होने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। शुरू कीजिए। मैं मनीष कुमार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आपके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी माँ है नूरजहां बेगम, उन्होंने ही आपको पढ़ाया लिखाया और आपकी परवरिश की। क्या साधन थे उनके पास आपके ऊपर इतना खर्च करने के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए? इतने पैसे कहाँ से आए उनके पास? स्कॉलरशिप सर, हमारी पढ़ाई का सारा खर्चा कॉलेज ने उठाया था। और जहाँ तक बात परवरिश की है, तो कुछ अब्बू की सेविंग्स थी और कुछ माँ की हिम्मत। इंटरेस्टिंग, काफी महंगा फोन लगता है ये। हमारी टीम ने अपनी सैलरी बचा बचा कर बर्थडे के दिन हमें ये गिफ्ट किया है। हाँ हाँ भाई, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। ऐसी महंगी चीजें अक्सर गिफ्ट में तो ही मिला करती हैं। वैसे आपकी पढ़ाई लिखाई में भी काफी झोल झाल रहा है, फिर भी आपको पुलिस सर्विस मिल गई। कोई कोटा वोटा का चक्कर चला है क्या? जी नहीं सर, पढ़ाई में कोई झोल नहीं है, बस एक साल हम ठीक से पढ़ नहीं पाए क्योंकि हमारी तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन अगले साल हमने पढ़ाई की, मेहनत की और कॉलेज को टॉप किया। कोई कोटा वोटा का चक्कर नहीं है सर, हम यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से पहुँचे हैं।
महंगे फोन, महंगी गाड़ी, महंगी अंगूठी। शहर में दो दो प्लॉट्स, ऐसी लविश लाइफ और फिर भी ईमानदारी का दावा? दावा नहीं है सर, हम ईमानदार हैं, हमारे खून में है। हमारे अब्बू एक कांस्टेबल थे, उन्होंने हमेशा एक ही चीज सिखाई, इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का। और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। हम इसी सीख पर चलते आए हैं सर। महंगा फोन हमें हमारी टीम ने गिफ्ट किया, गाड़ी गैराज वाले की है। अब सरकारी गाड़ी ठीक तो हो नहीं रही, इसलिए उसी से काम चला रहे हैं। ये अंगूठी पुश्तैनी है सर, हमारी अम्मी ने दी है। हाँ, जहाँ तक बात प्लॉट्स की है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है जिसका इंस्टॉलमेंट हर महीने जाता है। सच कहें तो कब तक जाएगा पता नहीं, हो सकता है ना किसी दिन किसी झूठे रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में हमें फंसा दिया जाए, हम पर इंक्वायरी बिठा दी जाए और हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत, ईमानदारी, डेडिकेशन और सैक्रिफाइसेस पर एक मिनट में पानी फेर दिया जाए। सर प्लीज़, हमने कोई रिश्वत नहीं ली है, हम बहुत ही ईमानदार हैं और हम अपनी ईमानदारी प्रूव करके दिखा सकते हैं, हमें बस 24 घंटे का वक्त दे दीजिए। दे दीजिए ना सर, 24 घंटे ही तो मांग रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदारी लेता हूं, अगर इन्होंने 24 घंटे के अंदर अपने आप को निर्दोष साबित नहीं किया तब आप कार्रवाई कर लेना सर। ठीक है डीएसपी साहब, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी पर मैं 24 घंटे देता हूं। मैं 24 घंटे के लिए ये ऑफिशियल इंक्वायरी को मुलतवी करता हूं, लेकिन हसीना जी 24 घंटे होते ही आपको डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होगा और अपनी सफाई देनी होगी। जी बिल्कुल सर, हमें पूरा विश्वास है कि ये आपको निराश नहीं करेंगे। स्वागत है आप दोनों का महिला पुलिस थाना में। चीते, बताओ इनका कुंडली। मैडम ये वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले हमारे थाना को रिश्वत देने का कोशिश किया है, और मैडम सर उस रिश्वत को ठुकरा कर इनके खिलाफ एक्शन ले चुकी है। क्या पता कि खुन्नस में यही लोग मैडम सर को फंसाने की कोशिश किया हो। देखो भैया, ऐसा है कि हमें साफ साफ बता दो कि किसने हमारे थाने में ASI मीरा को रिश्वत दिया, नहीं हम बहुत दिक्कत में चल रहे हैं, हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ गया है, समझ रहे हो गंभीरता को तुम दोनों की दोनों। इसलिए ना साफ साफ बता दो कि हमारा दिमाग अभी ना बहुत गर्माया हुआ है, फालतू में हम इतना कूट देंगे तुम लोगों को, 6-7 दिन के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, हड्डियां वड्डियां टूट जाएगी, उससे अच्छा हिंसा नहीं करते हैं। साफ साफ जवाब दो, बताओ किसने दिया रिश्वत। मैडम पिछली बार आपने इतना तोड़ा था कि तब से लेकर आज तक इससे काम चला रहे हैं, दाया कान काम करना बंद कर चुका है। और बाया? नहीं, कुछ नहीं खाया। खाया नहीं, बाया बाया का... बोलो बोलो। तब से ये कान की मशीन से काम चला रहे हैं। तुम बोलो। पिछली बार मैडम जी जो तोड़िया किए थे उसमें 5 हड्डियां टूटी है, हाथ पांव में 5 रॉड पड़े, आपको लगता है कि हम बची कुची हड्डियां तोड़वा के रॉड डलवाना चाहेंगे? और मैडम जी हमने कोई रिश्वत विश्वत नहीं दिए। हाँ ये काम वही कर सकता है जो आपको जानता ना हो। हम दोनों तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। निकलो, चखलो, निकलो। ये दोनों नहीं है, ये कोई और है, लेकिन कुछ कुछ तो सुराग छोड़ा होगा, कुछ आखिरी रास्ता छोड़ा होगा ये सब काम करने से पहले। पुष्पा जी चीते ढूंढो, थाने का कोना कोना ढूंढो, मुआना करो हर एक चीज का, हर एक बारीकी से मुआना करो, हमें मैडम सर यहाँ चाहिए और वो बंदा भी यहाँ चाहिए, समझ लो। चीते इधर देख, हम इधर देखते हैं।
ये वो वाले टेबल के नीचे ये मिला क्या मिला ये मिला रुमाल पुष्पा जी ये देखिए 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 बाल बाल मिला हमें इसको भेजो फॉरेंसिक लैब में जांच कराओ इसका डीएनए टेस्ट कराओ पता कराओ किसका बाल है ये मैडम सर मैडम सर आप कैसे आ गए मतलब आपको क्लीन चिट मिल गया हाँ। मतलब आप थाने वापस आ गई ना हमें क्लीन चिट नहीं मिली है हमें सिर्फ 24 घंटे का समय मिला है खुद की बेगुनाही साबित करने का इसलिए जो करना है 24 घंटों में करना है बहुत है 24 घंटे मैडम सर बहुत है उस आदमी को हम पकड़ कर लाएंगे या आपके सामने लाएंगे और आपको निर्दोष साबित करेंगे अभी हमको ये बाल मिला है ये हम फॉरेंसिक लैब में भेज रहे हैं पता लगाएंगे जांच करेंगे कि किसका है ये ठीक है पता लगाइए देखिए क्या पता चलता है मीरा कहाँ है मीरा कहाँ है चाचा ऊपर देखो दूसरी बार हुआ है कि मीरा थाने में से गायब हो गई आप में से किसी को भी इस सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ रही है वैसे हमारे सर पर 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है ऊपर से ये बात पता चल गई तो डिपार्टमेंट पता नहीं कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेगा जो होता है हो जाने तो भाड़ में जाइए टीम का डब्बा ना मतलब ना कोई दिल है ना भावनाएं है ना समझ है जो सिखाओ कुछ भी कर देती है वो ऐसा टीम का डब्बा रख के हम क्या कर लेंगे मैडम सर आप बताइए हमें वो निकल जाए यहाँ से वो नहीं निकलेगी तो हम निकालेंगे उसको कितना कुछ हो रहा है उसके वजह से कितना कुछ झेल रहे हैं हम सब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी करिश्मा सिंह हम ऐसा करने नहीं देंगे डिपार्टमेंट ने उसे हमारी जिम्मेदारी पर भेजा है जब तक वो बात पूरी नहीं हो जाती जब तक उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक मीरा थाने से कहीं नहीं जाएगी इज दैट क्लियर जय हिंद मैडम सर मीरा तुम कहां चली गई थी हमने तुमसे कहा है कि हमें बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी अगर तुमने वो पैसे नहीं लिए होते तो आज हसीना मैडम को ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम जानती हो तुमने उनसे क्या छीना है उनका स्वाभिमान और इसके लिए हम तो क्या इस पूरे थाने में तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा पुष्पा जी की ये बात सुनकर मेरे प्रोसेसर ने मुझे ये अलर्ट मैसेज दिया कि अगर मैं उस आदमी को ढूंढ दूं जिसने मुझे उस रात पटाखे और मिठाई दी थी तो मैं आप पे लगा इल्जाम वापस ले सकती हूँ तुम क्या करने गई थी मैं उस आदमी को ढूंढने गई थी मैडम सर तुम आओ तुम हमारे केबिन में आओ देखो मीरा हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं जब तुम जानती ही नहीं हो कि रिश्वत क्या होती है क्यों गलत है क्यों गैर कानूनी है तो फिर तुम क्या करती बहरहाल अब हम तुम्हें समझाते हैं कि ब्राइब घूस रिश्वत ये क्या होती है और क्यों इतनी गलत होती है जैसे कि कभी ये जो पैसे हैं ये बच्चों की स्कूल के फीस के नाम पर दिए जाते हैं कभी ये पैसे भगवान के चरणों में देने हैं उसके नाम पर दिए जाते हैं कभी इन पैसों से राशन पानी खरीदा जाता है लेकिन कभी कभी इन्हीं पैसों से हथियार भी खरीदे जाते हैं और कभी ये पैसे अपना काम निकलवाने के लिए घूस के तौर पर ब्राइब के तौर पर रिश्वत के तौर पर दिए जाते हैं ये वही पैसे हैं जो जिंदगी देते भी हैं और लेते भी हैं कहीं ये भगवान है तो कहीं शैतान है कहीं फरिश्ता है तो कहीं हैवान कहीं ब्लैक कहीं वाइट एग्जैक्टली इस पैसों के बहुत सारे रंग है बहुत से रूप हैं इसे कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हर किसी का अपना तरीका मीरा ये क्या कर रही हो तुम
प्लीज एक्सप्लेन मैडम सर, इनमें से कौन से पैसे रिश्वत के, कौन से पैसे स्कूल फीस के, कौन से पैसे लीगल, कौन से पैसे इलीगल, कौन से पैसे राइट, कौन से पैसे रॉन्ग, कौन से पैसे ब्लैक, कौन से पैसे वाइट? पैसे तो पैसे हैं मैडम सर, इनको राइट और रॉन्ग में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैडम सर, ये सर ना फाड़ देगी और हमारा दिमाग खिसक गया तो हम इसको फाड़ देंगे, इसको बोलो चुप हो जाए। मीरा बिल्कुल सही कह रही है, पैसा सही या गलत नहीं होता, पैसा तो पैसा होता है, सही गलत होता है उसके पीछे का इंटेंशन, उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान, वो इसे सही काम के लिए इस्तेमाल करता है या गलत काम के लिए इस्तेमाल करता है। तुम ठीक कह रही हो मीरा, ब्लैक और वाइट पैसा नहीं होता, इंसान होता है। गुनहगार इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल होता है और हमें उस गुनहगार को पहचानना है, तभी हम सही और गलत पहचान पाएंगे। इनफैक्ट तुम्हारी बातें सुनकर हमें भी आज एहसास हो रहा है कि हम इंसान सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैडम सर, अगर आपका हो गया हो तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस रिश्वतखोर को पकड़ना है हमें जल्द से जल्द। उसको तो मैं पकड़ चुकी हूँ मैडम सर। कहाँ? कब? कहाँ? जब मैं यहाँ आई थी तब। वो कब बताओगी कहाँ है वो? पूछा ही नहीं मैडम सर ने। पूछे मैडम सर, कहाँ है वो आदमी? जल तू, जलाल तू, आई पलक तू, टाल तू, जला दू, नहीं, 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 जला दू, जली नहीं, ये नहीं, 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 नहीं